आज सत्संग की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो हमारा मंगल कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक कर सकते हैं। वो संसार की हदों तक हमारा मंगल कर सकते हैं, लेकिन इस भव सागर और भव संसार से पार जो हमारा मंगल करते हैं वो सतगुरु हैं, वो संत हैं। आपको माता पिता राजी हो जाएं तो मैंने बोला था कि जमीन जायदाद हिस्सा दे देंगे, मकान दे देंगे, लेकिन जब वो ही नहीं लेकर गए तो जो आपके नाम किया है वो आप कहाँ लेकर जाओगे। आपने भी एक दिन फिर वो आगे देकर जाना है, इसलिए ये पक्का करके चलिएगा कि ये जो आपका घर है ना, वो इस घर का घर है। अपने शरीर को हाथ लगाइए, बोलिए ये जो घर है ये इस घर का भी घर है। ये भी क्या है, ये भी एक दिन तो आवाज़ ही नहीं आ रही, परमानेंट है क्या? नहीं, ये भी घर एक ना एक दिन छोड़ना है, और ये घर जिस घर में रहता है उसको भी छोड़ना है। लेकिन जब घर बनता है तब लोगों की हालत देखो, दरवाजे का हैंडल ऐसा ही लगना चाहिए, कलर ऐसा ही होना चाहिए, मेरा नाम बड़े अक्षरों में होना चाहिए, हमारा नाम ऐसे होना चाहिए, वो नाम के लेकर तो कितना सारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए प्रार्थना कीजिएगा गुरु को कि हमारा परम मंगल हो। आरती गाते हैं ना, आनंद मंगल करूँ आरती, परम मंगल हो। तो परम मंगल होगा ना तो फिर किसी माता के गर्भ में हमको आना नहीं पड़ेगा। परम मंगल होगा तो आप गुरु के पावन संदेश को आत्मसात करोगे कि समझोगे इसमें मेरा परम मंगल है। जो कुछ यहाँ है देखता मिथ्या सभी जाने, जो आज है कल हो ही ना सो सत्य कैसे मानिए। शिव सत्य साक्षी एक है।